हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि हम सभी शिक्षकों को पता है कि अब जो निष्ठा के प्रशिक्षण दोबारा से शुरू हो रहे हैं और ये 15 अक्टूबर से शुरू होकर के ये मार्च तक चलेंगे। और ये 15 अक्टूबर से जो प्रशिक्षण होंगे, सबसे पहले 2 प्रशिक्षण होंगे, उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और ये लिंक्स आप देख पा रहे हैं। ये प्रशिक्षण 1 है, ये प्रशिक्षण 2 है। अब इन प्रशिक्षणों को, यानी कि निष्ठा के जो दूसरे शिफ्ट के जो प्रशिक्षण हैं, उनको करने से पहले आपको एक काम और करना है। उसमें क्या करना है कि जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना होगा। और कौन सी प्रोफाइल को? दीक्षा ऐप की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर लिखा है, प्रशिक्षण से पहले सभी यूजर अपनी दीक्षा ऐप प्ले स्टोर से अनिवार्य रूप से अपडेट कर लें और उसके बाद में अपनी दीक्षा प्रोफाइल में डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कूल का चयन कर अपडेट कर लें। वीडियो का लिंक भी यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है मिशन प्रेरणा की ओर से, और इसका प्रयोग करके फाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो पहले ये काम करना है, उसके बाद में आपको प्रशिक्षण करना है। तो हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट पहले प्रोफाइल को अपडेट करना बताएंगे और तत्पश्चात उसके बाद में आपको कैसे प्रशिक्षण करना है उसकी लिंक को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन प्रशिक्षण के लिंक मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दीक्षा प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है। दीक्षा प्लेटफॉर्म को अपडेट करने के लिए, यानी कि अपनी सबसे पहले प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, आपको दीक्षा ऐप जो आपके मोबाइल फ़ोन में है उसको अपडेट करना होगा। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्ले स्टोर है, इसको हम क्लिक करेंगे। अभी हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर यानी कि ऊपर टॉप में ये लोगो देखेगा। लोगो का मतलब है यहाँ पर ईमेल आपकी पड़ी हुई होती है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको ये ओपन करना है, मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे अपडेट्स अवेलेबल, कौन कौन से अपडेट अवेलेबल हैं, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने दीक्षा ऐप को सर्च करेंगे। तो हालांकि हमारा दीक्षा ऐप ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, यदि आपका नहीं है तो इसी लाइन में कहीं ना कहीं आपका दीक्षा ऐप लिखा होगा और उसके सामने अपडेट लिख करके आएगा। तो जैसे ही ऐसा लिख करके आएगा तो अपडेट पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम कोई एक ऐप आपको अपडेट करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ से अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये अपडेटिंग शुरू हो जाएगी। और जब ये अपडेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा और सीधे अपने मोबाइल फ़ोन में दीक्षा ऐप को ओपन करना होगा। या फिर ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता है तो यहीं ओपन लिख करके आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं, दीक्षा ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो अब हम आ गए अपने दीक्षा ऐप, यानी कि ऐप्स पर आ गए और ऐप्स में ये हमारा रहा दीक्षा। तो इसे अब आप क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार का ये शो हो जाएगा। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, नीचे देखेंगे, नीचे राइट साइड में एक प्रोफाइल का लोगो जो आता है, नीचे राइट साइड में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये प्रोफाइल का लोगो है। अब इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से नाम आपका आ जाएगा, यहाँ पर कंटेंट प्रेफरेंस, रोल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इतना आ जाएगा। और उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर क्लासेस आ जाएंगे, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो ईमेल आपकी ऐड हैं, मोबाइल नंबर ऐड हैं, वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। इतना काम करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर क्लासेस को, इसको एडिट नहीं करना है, लेकिन पहले वाले को, यानी कि यहाँ पर रोल, टीचर, डिस्ट्रिक्ट, इटावा, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट लिखे, यहाँ पर जो एडिट आ रहा है इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो ये नया पेज आएगा। अब यहाँ से करना क्या है, कई बार क्या होता है कि यहाँ से आपका जैसे रोल है, टीचर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये भी सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो इसे आप सही सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे में ये सभी शो हो रहे हैं, सही शो हो रहे हैं, तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर लिखा आएगा ब्लॉक और स्कूल, इनको तो मस्ट आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं आएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक को सिलेक्ट करके हमने सबमिट कर दिया। अब नंबर आता है हमारे स्कूल का, तो स्कूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
तो ये हमारे जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो भी स्कूल हैं सभी की ये लिस्ट है। तो इसमें से हम अपना विद्यालय ढूंढ लेंगे, जो भी आपका विद्यालय है उसे यहाँ से। तो यहाँ से हमारा विद्यालय मिल गया है और इसे अब हम सिलेक्ट करके सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतना काम होने के बाद में अब सभी सिलेक्ट हो चुके हैं, नीचे सबमिट लिख कर आ रहा है, उसको हम सबमिट कर देंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एकदम कंप्लीट प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। और ये कंप्लीट प्रोफाइल देखने के लिए फिर से वहीं नीचे आएंगे, राइट साइड में प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख पाएंगे आप रोल, स्कूल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये सभी कुछ अब लिख के आ जाए। अब आपका प्रोफाइल एकदम रेडी है, दीक्षा ऐप अपडेट प्रोफाइल रेडी है। अब आप प्रशिक्षण को ओपन कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप उन्हें प्रशिक्षण को ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम आपको वो लिंक्स दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो जो लिंक्स जारी हुए हैं वो मेरे पास हैं। सबसे पहले पहला वाला लिंक पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ दीक्षा लिख कर आ रहा है और एक तरफ क्रोम लिख कर के आ रहा है। तो यहाँ से आपको ऐप के माध्यम से ही ओपन करना है। तो दीक्षा पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप दीक्षा पर क्लिक करेंगे तो ये प्रशिक्षण आपके में आ जाएगा और यहाँ पर ज्वाइन लिख करके आ रहा है। और ये आपको 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। तो इसे आप इस प्रकार से ज्वाइन करने के बाद में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस, निष्ठा के जो दूसरे फेज के प्रशिक्षण हैं उनको किस प्रकार से ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने से पहले आपको दीक्षा की प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है, किस प्रकार से दीक्षा ऐप को अपडेट करना है।